अब कुछ माहौल लग रहा है कि श्याम बाबा के दरबार में बैठे हैं और बाबा के दरबार का एक नियम है, भाई आप इधर आ जाइए जरा, एक के पीछे 50 रह जाते हैं प्लीज। श्याम बाबा के दरबार का नियम, मेरे भाई जो इधर खड़े हैं आप भी इधर आ जाओ जरा, जेंट्स की जेंट्स के कॉर्नर पे आ जाओ जरा, इधर आ जाओ। जम्मिया सी जदो मैं खाटू जी गया सी, बापू जी ने मेरे बारे बाबे नू के हांसी, नाल चाचा गया सी कहंदा खाटू नरेश की जय जयकार, चाचा जी ने करनी सिखाई, नियो दे बाद मित्तलां दा नाम हो गया, मेरा 16वां भी टप्पिया, 17वां भी टप्पिया, 18वें च बाबे दा गुलाम हो गया, इक सांवरे दे प्रेमी नाल यारी पै गई, नाल खाटू जी भी जान दी तैयारी हो गई, जिनकी शादी हो गई घर वाली ने भी दो दो परोठे पैक करते, और जिनकी नहीं हुई उनकी मम्मी जी ने दो दो परोठे पैक करते, नाल नींबू दे अचार ओदे नाल तारते, जदो वेखिया वे सांवरे दा मुखड़ा ओदे बाद काम ता तमाम हो गया, मेरा 16वां भी टप्पिया, 17वां भी टप्पिया, 18वें च बाबे दा गुलाम हो गया। क्या बात है, क्या बात है, आ जाओ आ जाओ। खाटू जी नू जाण नू फिर दे चंगे अकरां दे काके नी, जो जीन शीन पहनते थे आजकल उन्होंने कुर्ते पजामे सिलवा लिए, बोले खाटू जाना पड़ता है सब। खाटू जी दी गलियां च घूम दे वड्डे अकरां दे काके नी, खाटू जी दी गलियां च घूम दे कुड़ते पजामे पाके नी, चढ़दे सियाल नू सांवरिया जे साडा कम पुगा दोगे, मैं नी कहंदा चांदी दी कली फोटो इक लवा लांगे, तेरे मंदिर नू चांदी दा सांवरे डायमंड दा मुकट जड़ा दांगे। हमारे राजस्थान और हरियाणा में एक तरीका है, किसी से कोई काम करवाना हो, अगर घर में कोई बड़ा सेठ आया है, कोई मंत्री आया है, तो बैठते ही उसको पर्ची नहीं पकड़ा देते, उसको पहले बिठाते हैं, कुछ खिलाते हैं, कुछ सेवा करते हैं, मोटे कूटते हैं, गोटे कूटते हैं, उसके बाद सामने वाला समझ जाता है इसको आज बड़ा भयंकर काम है मुझसे, इसलिए इतनी सेवा कर रहा है। तो पहले श्याम बाबा को बुलाएंगे, कुछ खिलाएंगे, कुछ पिलाएंगे, मोटे कुटेंगे, गोटे कुटेंगे, और बाबा कहेगा बेटा आज कोई खास काम है, तब पर्ची निकाल के दे देना, बाबा तो सबका काम करता है, लाडवा का भी कर दे यार, क्या जाता है तेरा। क्या बात है, मेरी अखियां करे इंतजार सांवरे, बैठ जाइए प्लीज, और मैं तो कहूंगा थोड़ा सा मुंह फेर लो, ऐसे ऐसे बैठ जाओ आमने सामने, ताकि पीठ नहीं होगी बाबा की, ताकि पीठ नहीं होगी, हाँ पीठ ना हो बिल्कुल भी, और अगर नीचे आ जाओ तो और भी मजा आ जाए, अगर नीचे आ जाओ तो और भी मजा आ जाए, अगर आ जाओ तो बड़ी मेहरबानी हो जाए, आ जाओ यार, लाडवा में लाड ज्यादा लड़वाते हो तुम है, आ जाओ नीचे, आ जाओ आ जाओ, बड़े प्रेम, ये तो प्रेम की बात है साहब, पोथी पढ़ पढ़ जग भया भया न पंडित को, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित, आ जाइए आ जाइए, क्या बात है, एक बार लाडवा वालों के लिए तालियां बजा दो, क्या बात है, सभी पेवा कैथल असंध कुरुक्षेत्र अंबाला हर जगह से प्रेमी यहाँ बैठे हैं, तो हमें चाहिए एक ऐसा कीर्तन करें कि हरियाणा को जो भी आज देख रहा हो वो उस नजर से देखे कि सांवरा बसता है तो हरियाणा में बसता है साहब, उस नजर से देखे, आइए बाबा को कह देना पलकों का घर तैयार सांवरे, इंतजार करती है
दोनों हाथ खोल के जरा ताली बजा के अखिया करे इंतजार सामने ठाके बुलाना है ये बस हो आजा शाम चला जाएगा पीछे से मैं क्या करूंगा। प्रेमी बोला बाबा खाटू में तो भीड़ बहुत है नंबर नहीं है लगता कम था उनकी गर्दन नीचे रहती है और धक्के में ही बाहर आ जाते हैं और बस में आके कहते हैं दर्शन नहीं हुए। अरे बावड़े तुझे खाटू में भी आके वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए तो दर्शन नहीं होंगे या तो धक्का खाना पड़ेगा। खाटू में तो भीड़ बहुत है नंबर नहीं है लगता दर्शन 3 सेकंड के उसमें भी धक्का चला गए। और कुछ आते हैं वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पापी क्यों पापी क्यों जिनकी फाइल में गड़बड़ नहीं है उनको टाइम लगेगा क्या चला गए। और जिसकी फाइल में गड़बड़ है पीछे से आओ चल फट्टे के नीचे 15 मिनट तक बिठाओ। और ये किया हाँ, ये किया हाँ, ये किया हाँ। बाहर आके कहता भाई जी बड़े खुले दर्शन हुए 15 मिनट तक। अरे बावड़े तुझे दर्शन नहीं हुए तेरी पेशी चल रही थी अंदर तुझे क्या पता क्या हो रहा था। इसीलिए खाटू में तो भीड़ बहुत है नंबर नहीं है लगता बाबा सजता और जिनके चश्मा लगा है उनके लिए एक एडवांटेज है। एडवांटेज कैसा अखबार कैसे पढ़ते हो मंदिर में जाओ जैसे ही बाबा दिखे ना कोई पीछे से धक्का भी नहीं देगा बोले इसको कम दिखता है यार। जी भर कर करूंगा दीदार सामने कौन कौन करेगा खुले दर्शन बाबा के वीआईपी में नहीं लाइनों में खुले दर्शन होंगे दोनों हाथ खोल के ये बात जी भर कर करूंगा दीदार सामने तैयार सामने तैयार सामने
तैयार है। अच्छा एक बात बताओ, सुबह सुबह 7 बजे से पहले पहले झाड़ू कौन कौन लगा लेते हैं, और 9 बजे से पहले पहले सबके लग जाते हैं? वो वाली होंगे ना ठेकेदारनी वाली, वो आएगी तब कहेगी, और एक दिन छुट्टी मार जाए तो इधर वालों को परोठे नहीं मिलते, बोले वो छुट्टी मार गई। और एक जगह से कंफर्मेशन नहीं होती, 3 जगह से कंफर्मेशन, सच में नहीं आएगी। सुबह सुबह पहली झाड़ू खुद लगाया करो, क्यों? उठो नारी निकालो बुहारी, उठो नारी निकालो बुहारी, क्यों? बाहर खड़े कृष्ण मुरारी हर दरवाजे पे आएगा, दोनों हाथ खोल के जो जो बुलाएंगे ये बात, 1 2 3 अच्छा पैर खोलो, पैर पैर सुनाता हूं इतर वाली बात भी, चिंता मत करो। एक बार अभी बैठ जाओ, अभी सुनो, अभी तो अभी मैंने इनको समझाया था ट्रेलर है, कितने समझदार है, आराम से बैठ गए। अब आपको कह रहा हूं ट्रेलर है, घड़ी देख के कीर्तन नहीं होगा, किस घड़ी में सांवरा आएगा वो देख के कीर्तन होगा, किस घड़ी में सांवरा आएगा। जब लाडवा आएगा ना बाबा खाटू से, कुरुक्षेत्र होके आएगा, और इस समय चल पड़ा है वो लीले घोड़े वाला बाबा, चल पड़ा है। मेरा टाइम था 9:30 का, 9:30 आने का टाइम था, मगर लेट हुआ, मालूम क्यों? क्योंकि वो बोला अभी तो मंदिर में बैठा हूं मैं, 9:45 आरती होगी, उसके बाद तो खाटू से चलूंगा मैं, और अभी इसी समय वो चल पड़ा है, चल पड़ा है बजा के, चल पड़ा है, चल पड़ा, चल पड़ा है वो नीले घोड़े वाला, चल पड़ा है, चल पड़ा है, चल पड़ा है वो नीले घोड़े वाला बाबा, चल पड़ा है, चल पड़ा है, वो नीले घोड़े वाला बाबा, चल पड़ा है। इस समय यही खड़ा है बाबा का स्वागत कर लो जरा, दोनों हाथ उठाकर, यही खड़ा है वो नीले घोड़े वाला मेरे पास खड़ा है। नहीं दुनिया, भरोसा रखना, हारना मत, जितनी मर्जी तकलीफ आ जाए, मैं नहीं कहता सिर्फ खाटू वाले को मानते हो तो, जिस किसी को भी मानते हो, अगर उसके सच्ची सच्चे बेटे हो तो हार मत मानना। मुसीबत आएगी मगर मुसीबत को मुंह की खानी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि जितनी बड़ी मुसीबत है ना, समझ रहे हो कितनी बड़ी मुसीबत, जितनी बड़ी मुसीबत है उससे 1,000,000 गुना बड़ा मेरा सांवरा है, 1,000,000 गुना। आज कीर्तन से जाओ, कोई पूछे कि क्या मिला, तो
तो प्रसाद निकाल के मत दिखाना लाडवा से ये मिला, उसको कहना कि किसी के पास कुछ ना हो तो हस्ती है ये दुनिया, किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है ये दुनिया, हमारे पास है वो शाम जिसके लिए तरसती है दुनिया साहब। चल पड़ा है, चल पड़ा, चल पड़ा है। सकती है स्वयं खाटू वाला भी आपको जीत नहीं दिला सकता अगर आप में भरोसा नहीं है तो साहब। और आप में भरोसा है उस नाम जपने का क्या फायदा, आम का पेड़ तो लगा है आम तोड़ने की जगह, आम को देखकर शाम 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 मुंह में आने वाला नहीं है, तोड़ना पड़ेगा, खाकर कहना पड़ेगा जय श्री श्याम। भरोसा इस चीज का रखना पड़ेगा कि एक दिन मैं इस आम के काबिल बन जाऊंगा, तब आपको आपके लक्ष्य से कोई कोई दूर नहीं कर सकता। और खाटू वाले के दरबार में तो जो भी दर पर आता बाबा संग उसके चल पड़ता, नहीं है फर्क मुझे है पड़ता, कोई फर्क नहीं है फर्क मुझे है पड़ता। दिल्ली का एक सेठ 56 भोग लेके आता है और एक लाडवा की जाटनी, चार लाडू अपने हाथों से बना के थाली में धर के सिर के ऊपर रख के खाटू के लिए चल पड़ती है। दिल्ली के सेठ का 56 भोग सेवादार बार पकड़ लेते हैं और जाटनी की थाली के हाथ लगाने की हिम्मत किसी की नहीं होती, और जाटनी भी मंदिर में जाके लड्डू उठा के दे के मारती है, ले बाबा शाम तेरा खातर लड्डू लेके आई थी। और शाम बाबा भी 56 भोग बाद में खाता है, पहले वो लड्डू ढूंढ ढूंढ के खाता है जो बना कर लाया है। जरा उठा लेना दोनों हाथ और प्रेम से कह देना जो भी दर पर आता बाबा संग उसके चल पड़ता, तुझको कोई फर्क नहीं है फर्क मुझे है पड़ता, नहीं बोलेगी सिर्फ मेरे भाई। पलकों का घर वाजी वाह, पलकों का घर। अब आप शांत रहना, हां जी आपके पास मौका है। पलकों का घर ना 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 ना, क्वांटिटी भी ज्यादा है आवाज कम है, एक बार मूछ का सवाल है भाई साहब प्रेम से। पलकों का घर वाजी वाह वाजी वाह, एक मौका और देता हूं आपको, दे दे क्या मौका। पलकों का घर, ऐसा तो नहीं वो आए और माथा पकड़ के बैठ जाओ, इसकी रोटी भी बनानी पड़ेगी। क्या बात, और अकेला तो आएगा नहीं, तीन चार ग्वाले साथ में आएंगे, अरे इनकी भी बनानी पड़ेगी, इनको तो चाय में तोड़ दो। लेकिन जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहां से आए, जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहां से आए, और जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहां से आए। साहब शाम हुई, पूरा दिन एसी चल रहा है, कोई उसमें बैठा है नहीं बैठा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एसी चलेगा, मगर शाम होते लाइटें बंद कर दो, बिल बहुत आएगा, लाइटें बंद कर दो बिल बहुत आएगा। अरे साहब शाम को उजाला करके रखा करो, बिल की जिम्मेवारी सामरे पे छोड़ दो, अपने आप भर जाएगा। डोमिनोज का पिज्जा भी तो खिलवाई देता है आपको, तो आपके बिजली का बिल नहीं देकर जाएगा क्या वो आपको। जरा दोनों हाथ खोल कर पलकों का घर तैयार सामरे, क्या बात है, yeah।
आपकी कसम नहीं खा सकता, मगर आपको मेरी कसम, आज लाडवा की इस पावन धरती पे जो उठाएं दोनों हाथ, आप चले जाना उनके साथ, और जो बजाएं ताली 12 महीने मनाएं दिवाली। एक बार तालियां सुनो जरा ये बात। क्या बात है, क्या बात है, जियो जियो, एक बार कैमरा घुमा जरा, क्या बात है, क्या बात है, जियो। तारे जमीन पर किनके हैं, इनको ऐसे ना छोड़ो, थोड़ी जिम्मेवारी समझो। उगाए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां, उगाए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां, लाड लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड लड़ जाती हैं बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, और उड़ाए जाते हैं बेटे, पर करनाल की कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियां। इन बेटियों के लिए जरा दोनों हाथ कर लो, बेटियों के लिए। मेरा छोटा सा परिवार, श्यामा जाओ एक बार, किसी को भी भरोसा दे के आ जाना, मैं आज कह रहा हूं कि ये काम हो जाएगा। क्यों? उससे पहले हिसार में एक साड़ी का दुकानदार, जिसके दुकान पे रोज की 2000 रुपए की सेल, बेटी का रिश्ता किया, बेटी के ससुराल वालों ने 50,000 का गहना मांग लिया। बेटियां बोझ नहीं होती साहब, बेटियों को बोझ ऐसे लालची माँ बाप बना देते हैं जो अपने बेटों का सौदा करते हैं। बेटियां बोझ नहीं होती, लेकिन वो बेटी का बाप भरोसा करता था खाटू वाले, बोलकर आ गया, जाओ बाबूजी 5वें दिन आपको 50,000 का गहना मिल जाएगा। घर पे आके अपनी पत्नी को बताया कि मैं 50,000 का वादा करके आ गया हूं। धर्म पत्नी बोली, कहां से आएंगे? वो बैठा है ना, खाटू वाला बोली ले घोड़े। बोले, सवाल आपकी इज्जत का नहीं है, सवाल मेरी बेटी की जिंदगी का है, क्या करूंगी मैं। उस आदमी ने अगले दिन दुकान खोली, पहला दिन जो चलाई, बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, जाए। बैठ गया, पहले दिन सेल हुई 2000 की, अगले दिन फिर दुकान खोली, सेल हुई 1500 की,
तीसरे दिन फिर दुकान खोली, सेल हुई 2000 की। चौथे दिन फिर दुकान खोली, सेल हुई 2000 की। पांचवें दिन जो जला दी कि बाबा आज शाम को 5 बजे का समय दिया हुआ, अगर भरोसा टूट गया तो मेरे जैसे अनेकों प्रेमी खाटू जाना छोड़ दे। जो जलाई ओ बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है। दोपहर का 1 बज गया, जहां पे रोज 1 बजे तक 500 की सेल हो जाती थी, आज वो भी नहीं हुई। मैंने क्या कहा था, परीक्षा लेगा लेकिन खड़े उतरना, हार ना मत। 1 बजे तक भी 500 की सेल नहीं हुई। 1:30 बजे जो ज्योत बुझ गई थी, दोबारा जला दी। बाजार का नियम, 2 बजे से 3 बजे तक हर दुकानदार अपने घर खाना खाने जाएगा, मगर जिसको जिसके दिल में आग लगी हो, बेटी दिख रही हो, उसके पानी भी नहीं उतरता, भोजन तो दूर की बात। घर पे फोन कर दिया कि आज मैं दोपहर का खाना खाने नहीं आऊंगा, और 2 बजे दोबारा जो चलाई, बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा। उसी समय एक आदमी भागा हुआ आया, भाई साहब मुझे बहुत जरूरी काम है, पूरा बाजार बंद है, मुझे 2.5 लाख रुपए की साड़ी चाहिए, क्या आपकी दुकान से मुझे सामान मिल जाएगा, क्या मुझे एक बात बता दीजिए। बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, बोला बोला में वो प्रेमी बैठे हैं जिनके साल की 50 करोड़ रुपए टर्नओवर है, मगर बैठे हैं। जाकर सो सकते थे, मगर उनको पता है जब एक रात कीर्तन की जागेंगे तो 1 साल सुख से कटेगा, और अब देख लो कितनी रातें कीर्तन की काटी है और कितने साल सुख से कटने वाले हैं। जरा दोनों हाथ उठा के प्रेम से, जो भी दर पर आता बाबा संग उसके चल पड़ता, तुझको कोई फर्क नहीं है फर्क मुझे है पड़ता, तुझको कोई फर्क नहीं है फर्क मुझे है पड़ता। लुटाना चाहता हूँ मैं प्यार सांवरे, इतनी जोर से गाना कि पड़ोसी जलन के मारे फूक जाए कि सांवरा इसी का है क्या, इतनी जोर जोर से गा रहा है। पलकों का घर, इतनी जोर से गाना कि कोई बाहर खड़ा हो तो जलन के मारे सोच में पड़ जाए कि मैं हिंदू होकर भी अंदर नहीं जा रहा हूं, कुछ ना कुछ कमी है मुझ में। पलकों का घर, दोनों हाथ खोल के, पलकों का आएगा क्या करोगे, पलकों पे बिठा लोगे, उसका वजन तो टनों में है, भोग लगाएंगे, नजर उतारेंगे उसकी,
दरबार सुंदर लग रहा है कि नहीं? वारी जाऊं सांवरिया, वारी जाऊं सांवरिया, वारी जाऊं सांवरिया, वारी जाऊं सांवरिया, वारी जाऊं सांवरिया। आंखों के पानी से बाबा तेरे चरण पखारूं, आंखों के पानी से बाबा तेरे चरण पखारूं। कौन कौन धुलाएगा चरण प्रभु के? ताली बजाना जरा। लोग कहते हैं श्याम बाबा का शरीर नहीं है, धड़ नहीं है, प्यार से देखना श्रृंगार के अंदर से दोनों हाथ निकलते हुए नजर आएंगे अगर भाव होगा तो। सा आंखों के पानी से बाबा तेरे चरण पखारू, आंखों के पानी से बाबा तेरे चरण पखारू, नैनों के काजल से बाबा तेरी नजर उतारू, कुछ भी नहीं चाहिए खाटू जाने के लिए। लोग तो वहम का सौदा कर रहे हैं आजकल भक्ति के नजरिए में, वहम ज्यादा करते हैं भक्ति कम करते हैं। एक वो दिल्ली में बाबा जी मिले, गोलगप्पे खाओ कृपा बरसेगी, बाबा जी मैं आपके दिल्ली समागम में आई थी, आप बोले पर्स को काला कर दे, पर्स को काला कर दिया, आप बोले गमला बदल दे, गमला बदल दिया, आप बोले हरी चटनी खा, लाल चटनी खा, काली चटनी खा, खाई कोई फर्क नहीं पड़ा, अब की बार मैं बाबा बदल दूंगी। क्या जरूरत है साहब हमें गोलगप्पे खाकर ठाकुर को पाने की? अरे चमत्कार की बात वो करें जिन्होंने चमत्कार देखा ना हो। हमने हमारे हिंदू धर्म में क्या द्रौपदी नहीं हुई, क्या पांडव नहीं हुए, क्या प्रहलाद नहीं हुआ, क्या ध्रुव नहीं हुआ, क्या राम नहीं हुआ, क्या कृष्ण नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ हमारे पास साहब जो हम गोलगप्पे खाने की बात करें साहब? जिनको अपने धर्म पे भरोसा नहीं वो बात करते हैं इस बात के साथ। हम हमारे तो रोम रोम में राम है साहब, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। आंखें खोल कर देखो सांवरा आज लाडवा में आया। क्या बात करते हो साहब, क्या बात करते हो। आंखों के पानी से बाबा तेरे चरण पखारू, आंखों के पानी से बाबा तेरे चरण पखारू। ये सिर्फ उसकी बात नहीं है गोलगप्पे खाने वाले की, वो खुद ही खा ले। ये शाम दरबार में भी आजकल शुरू हो गया, क्षमा चाहूंगा। आदमी दो दिन खाटू जाता है, तीसरे दिन फेसबुक पे लिख देता है मैं श्याम प्रेमी, श्याम दीवाना, कन्हैया मित्तल, श्याम दीवाना, कन्हैया मित्तल। एक और था बड़ा तगड़ा था, कन्हैया मित्तल श्याम भरोसे, कन्हैया मित्तल श्याम सेवक, कोई ठप्पा नहीं लगता खाटू जाकर। यहां तो किसी की जेब काट ली और वहां जाके माथा टेक कर आकर लिख दिया शाम सेवक, शाम सेवक बनने वाले नहीं हो साहब। किसी का बुरा कर 50 साल तक खाटू जाते रहना मिलने वाला नहीं है, और यहां किसी एक का भला कर देना शाम प्रेमी आपको बनने की जरूरत नहीं, खाटू वाला छल कर लाडवा आपके घर आ जाएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है साहब। दो दिन हुए तो शाम प्रेमी, साल हो गया तो ज्ञान बांटना शुरू कर देते, ऐसे नहीं ऐसे, अरे ऐसे नहीं ऐसे, अरे बापो तो नाराज हो गयो, बापो तो नाराज हो गयो। और कहीं 5-7 साल हो जाए तो आशीर्वाद भी लाडवा में आना शुरू हो जाता है, क्या करोगे खाटू जाकर। लेकिन साहब प्रेम की बात है, प्रेम की। आंखों के पानी से बाबा तेरे चरण पखारू, आंखों के पानी से बाबा तेरे चरण पखारू। अगर मेरी बात अच्छी लग रही है तो जरा दोनों हाथ उठाकर जरा ताली बजाकर, और बहुत अच्छी लग रही है तो एक बार जरा शोर मचा दो जोर से, जोर से। हाँ, आंखों के पानी से बाबा तेरे चरण पखारू, आंखों के पानी से बाबा तेरे चरण पखारू, नैनों के काजल से बाबा तेरी नजर उतारू, नैनों के काजल से बाबा तेरी नजर उतारू। जिन आंखों में ना कन्हैया, कन्हैया, कीर्तन में भी, कीर्तन में भी आकर अगर सूट कहां से लाई,
साड़ी कहां से लाई? वो आई नहीं, क्यों नहीं आई? वो सुबह जाना था उसने। जीएसटी कैसे रोके, कैसे बचाएं, बिल का क्या सिस्टम, क्या फायदा ऐसे कीर्तन में बैठने का सा? जिन आंखों में नाक कन्हैया वो बेकार सांवरे। यहां पर भी आकर अगर उसको नहीं देख पाए तो कहां देखोगे साहब इसे, कहां देखोगे? मुझे बताओ तो सही, कहां देखोगे साहब? घर में भी तभी दिखेगा जब घर में प्रेम होगा। जिस घर में कलेश होता है उस घर में सांवरा नहीं होता साहब। सांवरिया उस घर मिलते जहां पुष्प प्रेम के खिलते और दीनों के वेश में बाबा भक्तों से मिलने निकलते। वो ना जाने किस वेश में आ जाता है साहब। जिन आंखों में ना कन्हैया वो बेकार सांवरे। किस किस का घर तैयार है सांवरे के लिए? इसके बाद नजर उतारेंगे बाबा की, दोनों हाथ खोल कर कह देना, पलकों का घर तैयार सांवरे। क्या बात है, ये लाडवा की तालियां। क्या बात, क्या बात। शीश के दाने की जय।